फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सृष्टि गुप्ता मारवा फिर हाजिर हूँ एक रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी है ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैंने अधिकतर बना के खाई है और कई बार मीठा खाने की मैं शौकीन हूँ तो मैं खाती हूँ अक्सर बना के। जब मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आता तो ये मेरे पास कब हमेशा ही मिलेगा, अवेलेबल रहता है घर में, तो ये मैं बना के खा लेती हूँ। ये एक ऐसी रेसिपी है, एक डेजर्ट है। डेजर्ट भी क्या, एक सिंपल सी चीज़ है, हमें एक चीज़ का कंबाइन करके खाना है। अपन के घर में होता है दही, दही लोग जमाते भी हैं, बाज़ार से लाते भी हैं, लेकिन दही का उसमें प्रयोग होने वाला है और फ्रूट्स में अपने पास कुछ नहीं तो बनाना जैसी चीज़ तो मिल ही जाती है और रीज़नेबल भी होती है, बंदे अक्सर मंगा भी लेते हैं, रखते भी हैं अपने घर में, बनाना और एप्पल रखते ही रखते हैं। तो ये है बना दही और केले की डिश है। इसके अंदर मैंने आपको बताती हूँ इसके लिए मुझे क्या चाहिए। ये दही केले का ऐसा ट्विस्ट है, ऐसा डेजर्ट है ये, कि बहुत इसका जो कॉम्बिनेशन है वो खाने में इतना स्मूथी टेक्सचर देगा खाने में कि बहुत ही अलग ही तरीके का फ्लेवर देगा आपको। मैं बताती हूँ उसको कैसे बनाना है, ये आप देखिए, लेकिन एक बार आप बना के अपने घर में खाइएगा ज़रूर। इसके लिए हमें चाहिए दही। ये दही है अपना मार्केट का, ये मैंने अभी निकाल के रख लिया था, मेरे पास जमा हुआ नहीं था। तो हमें चाहिए दही, ये मेरा 400 ग्राम से करीब दही है और ये दही हमें इसमें कुछ नहीं मिलाना है, पानी नहीं ऐड करना, गाढ़ा गाढ़ा दही लेना है। तो ये गाढ़ा दही है, उसी के साथ ये हो गई आपकी शुगर, ये हो गया कार्डमम पाउडर और ये हो गया बनाना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे हमें इस दही में शक्कर डाल के फेंट लेना है। शक्कर आपने जितना आपको मीठा उसमें पिंच पसंद है। इसको फेंट लेना है और फेंटना ऐसे है कि इसके अंदर बिल्कुल भी मतलब कुछ भी लंप ना रहे, कर्ड का बिल्कुल फिट जाए। ये साथ ये मेरा शक्कर इसमें मेल्ट हो चुकी है, अब ये है बनाना। बनाना आप छील लीजिए, इसके ये जो धागे जैसे रेशे होते हैं हटा दीजिएगा। अब इसको छोटे छोटे बारीक केले काट लीजिए। इसी के साथ जैसे कि मैंने ये बनाना काट लिए, कट कर लिए, उसके साथ ये जो आपका कार्डमम पाउडर है पहले वो डाल लीजिए। कार्डमम पाउडर से ये होता है कि केला और दही मिक्स करने जा रहे हैं तो ये हाजमा करता है, यानी दही केले को हजम करवाने में मदद करता है, डाइजेस्ट होता है। बनाना इसमें ऐड कर लीजिए। इसके साथ ये अपना केला दही जो मैंने मिक्स किया है, इट्स कॉल्ड बनाना डेजर्ट कहेंगे इसे या कर्ड डेजर्ट कह सकते हैं इसे। ये सिर्फ दही और केले से कंबाइन किया हुआ बना और बहुत यमी है खाने में, एक बार बहुत स्वाद लगेगा आपको, बनाइए एक बार ज़रूर, क्योंकि इसमें कुछ आपका नहीं लगा है, सिंपल चीज़ें हैं, घर की जमी भी हैं, सब सही है, बनाइए खाइए और सभी को बहुत अच्छी लगने वाली है। इसी के साथ इसको मैं सर्विंग बाउल में ले लेती हूँ। कि मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है, घर के अंदर अपने पास शरबत में रूह अफ़ज़ा सबके पास होता है रोज़ फ्लेवर वाला, तो अगर इसके ऊपर कोई जैसे बाहर का भी बंदा आ जाए आपके घर में खाने के लिए और इंस्टेंटली अगर आपको कुछ मीठा समझ में नहीं आ रहा और ये आपके पास पड़ा है तो आप इसको इस तरीके से गार्निश कर सकते हैं।
तरीके से, तो आप ये रोज़ का टिंच भी देंगे तो सब बहुत बेहतरीन लगने वाला है, क्योंकि रोज़ लस्सी आपने पी भी है तो उससे मिलता जुलता इसका स्वाद देगा, क्योंकि बनाना इसमें मिक्स है, तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा ये मिला हुआ बीरू अफ़ज़ा। तो ये डेजर्ट की सिंपल रेसिपी है, इजी चीज़ों से बनी भी है, कुछ आपको इसमें करना नहीं है। और ये जो रेसिपी है ये मैं अक्सर, मैंने बोला जिस हिसाब से मैं ट्राई करती हूँ, मैं खट्टे की भी शौकीन हूँ, मैं मीठे की भी शौकीन हूँ और मैं तीखे की भी शौकीन हूँ, ये तीनों चीज़ें मेरे डेली के खाने में हमेशा कंबाइन रहती हैं, मेरे को खाने के बाद मीठा लगता ही लगता है, तो उसके बाद अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो मेरे पास ये ज़रूर मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये रेसिपी शेयर करना ज़रूरी समझा कि आप भी ऐसा बना के खाएं अपने घर में तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मेरा वही एक डायलॉग, घिसा पिटा बोलिए चाहे अच्छा बोलिए, मेरा यही डायलॉग है आपके आगे, अगर मेरी रेसिपी आपको इसकी अच्छी लगी डेजर्ट की, तो आप मेरी रेसिपी को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।